नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टोटका लेकर के। वैसे तो मैं अपने व्यूज़ में बताता आ रहा हूँ कि टूने टोटके जो होते हैं ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं। आप चीज़ों को किस ढंग से सोचते हैं, आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल सही है, आप सही जजमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं, फिर तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम निगेटिव शेड में चले जाते हैं, माइंड हमारा निगेटिव हो जाता है, क्योंकि वर्क प्लेस से लेकर के हमारे आसपास रहने वाले लोगों जिनसे मिलते हैं, फिर वर्किंग स्टाइल, इन सारी चीज़ों का हमारी लाइफ पर फर्क पड़ता है और हमारा मनोबल डाउन हो जाता है। उस स्थिति में ये टोटके जो हैं डूबते को तिनके का सहारा कहावत जैसी है, वैसे ही काम करते हैं। यानी कि एक किरण दिखाते हैं उम्मीद की, और उस किरण के सहारे जब आप मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है। मोर पंख का संबंध केवल श्री कृष्ण से ही नहीं बल्कि अन्य देवी देवताओं से भी है। शास्त्रों के अनुसार मोर के पंखों में सभी देवी देवताओं और सभी नौ ग्रहों का वास है। प्राचीन काल में एक मोर के माध्यम से देवताओं ने संध्या नाम के असुर का वध किया था। पंक्षी शास्त्र में मोर और गरुड़ के पंखों का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिकेय जी के वाहन मोर पंख, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर धारण किया था, मोर पंख पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोर की सृष्टि दृष्टि से संचालित है, इसीलिए ब्रह्मचर्य के साधकों को मोर पंख संयम की प्रेरणा देता है। यह संसार का सबसे सुंदर पंक्षी माना जाता है। मयूर दरअसल उमंग, उल्लास और आनंद का प्रतीक है। यह मोर देवताओं के सेनापति और भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकीय स्वामी का भी वाहन है। तो आइए जानते हैं मोर पंख आपके जीवन को किस तरह से सुख समृद्धि से भर देता है। कोई शत्रु ज़्यादा तंग कर रहा हो, मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मंगलवार या शनिवार की रात्रि को उस शत्रु का नाम लिख करके अपने घर के मंदिर में रात भर रखें। प्रातःकाल उठकर बिना नहाए धोए चलते पानी में इसे बहा देने से शत्रु शत्रुता छोड़कर मित्रवत व्यवहार करने लगता है। इस तरह मोर पंख से हम अपने जीवन के अमंगलों को हटाकर मंगलमय स्थिति को ला सकते हैं। धन वैभव में वृद्धि की कामना से निवेदन पूर्वक हर रोज पूजित मंदिर में श्री राधा कृष्ण के मुकुट में मोर पंख की स्थापना करके या करवा करके 40वें दिन उस मोर पंख को लाकर अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। धन संपत्ति में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगा। सभी प्रकार के रुके हुए कार्य भी इस प्रयोग से बन जाते हैं। जीवन में मोर पंख से कई तरह के संकट दूर किए जा सकते हैं। अचानक कष्ट या विपत्ति आने पर घर अथवा शयन कक्ष के अग्नि कोण में मोर पंख लगाना चाहिए। थोड़े ही समय में सकारात्मक ऊर्जा घर में संचारित होने लगेगी। आयुर्वेद में मोर पंख से तपेदिक, दमा, लकवा, नजला और बांझपन जैसे दुसाध्य रोगों में सफलतापूर्वक चिकित्सा बताई गई है मोर पंखों के द्वारा। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु काल सर्प योग का निर्माण कर रहे हों, उन्हें अपने तकिए के खोल में 7 मोर पंख सोमवार की रात्रि में डालकर उस तकिए का उपयोग करना चाहिए। साथ ही शयन कक्ष की पश्चिम दिशा की दीवार पर मोर पंखों का पंख, जिसमें कम से कम 11 मोर पंख लगे हों, लगा देना चाहिए। इससे कुंडली में अच्छे ग्रह अपनी शुभ प्रभाव देने लगेंगे, राहु केतु का अशुभत्व कम हो जाएगा। अगर बच्चा जिद्दी होता जा रहा है तो उसे हर रोज मोर पंख से बने पंख से हवा करना चाहिए या अपने सीलिंग फैन पर ही मोर पंख या पंखुड़ियों पर चिपका देना चाहिए। नवजात शिशु के सिरहाने चांदी के ताबीज में एक मोर पंख भर कर रखने से शिशु को डर नहीं लगेगा, नज़र इत्यादि का डर भी नहीं रहता है अगर आप ऐसा करते हैं तो। ज्योतिष में जिन लोगों की राहु की स्थिति सही नहीं हो, शुभ नहीं हो, उन्हें मोर पंख सदैव अपने साथ रखना चाहिए। इससे राहु केतु का प्रभाव उस व्यक्ति पर बुरा नहीं पड़ता है या उतना नहीं पड़ता है, वो उसको काटता है। तो
तो दोस्तों ये थी जानकारी आप सभी के लिए। टोटके थे ये कुछ एक घरेलू जिनके सहारे आप अपने मन के वहम को दूर भगा सकते हैं और अपने वर्क पर पुनः वापस आने के लिए कॉन्फिडेंस जुटा सकते हैं। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।